आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऑटोमेटिक प्राइसिंग के ऑप्शन के बारे में, क्या होता है ऑटोमेट प्राइसिंग और कैसे वो काम करता है और कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स पे अपनी लिस्टिंग पे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और क्या होता है बाय बॉक्स का ऑप्शन, कैसे आप उसको ले सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, सभी कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष गोयल और आप देख रहे हैं सेलोटेक MG। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, चीज़ों को आगे समझने से पहले हम इसको प्रैक्टिकली देखें अपने कंप्यूटर पर कि कैसे हम इसको कर सकते हैं एक्टिवेट। हम पहले ये समझ लेते हैं कि ऑटोमेट प्राइसिंग जो अमेज़न हमें ऑफर करता है ऑप्शन एक, वो कैसे काम करता है, वो एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ से हम चलते हैं सीधा अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और चीज़ों को पहले डेप्थ में समझ लेते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर पे देखेंगे कि कैसे आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। फ्रेंड्स, पहले ये समझ लेते हैं कि बाय बॉक्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑटोमेट प्राइसिंग क्या है और कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, जैसे कि वर्ड अपने आप में बोल रहा है बाय बॉक्स, आपने बहुत सारे आइटम्स लिस्टिंग देखी होंगी जहां पर आपको साइड में दो चीजें मिलती हैं, ऐड टू कार्ड, राइट, और दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है बाय नाउ। तो ये ऑप्शन आपको विन करना पड़ता है अमेज़न पे अपने प्रोडक्ट पे लिस्टिंग पे लाने के लिए। अब वो कैसे आता है और इसके बेनिफिट्स क्या है। फ्रेंड्स, पहले मैं इसके बेनिफिट बता देता हूँ, कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई कस्टमर है तो नॉर्मल टेंडेंसी ऑनलाइन शॉपिंग में ये देखी गई है कि कोई कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट को बाय करता है तो वो डिटेल्स पढ़ता है, प्रोडक्ट की इमेज देखता है और उसकी डिस्क्रिप्शन देखता है, प्राइस को चेक करता है, राइट। कोई भी कस्टमर नीचे, इसके नीचे भी आपको दिखेगा, जैसे कि लेट सपोज 100 ऑफर्स, बहुत कम ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो 100 ऑफर्स पे क्लिक करके वो चेक करे कि जो मल्टीपल सेलर्स, अदर सेलर्स क्या ऑफर कर रहे हैं प्राइस। नॉर्मल टेंडेंसी क्या रहती है कस्टमर्स की कि वो यहाँ से प्रोडक्ट देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं, रिव्यूज चेक करते हैं और यहाँ दिए हुए बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली पेमेंट गेटवे पे चले जाते हैं और अपनी वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो इसलिए बाय बॉक्स को विन करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आपकी सेल इंक्रीज हो सके, ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखे, डिस्क्रिप्शन पढ़े, रिव्यूज़ देखे और डायरेक्टली बाय नाउ पे क्लिक करके आपके और आपको ऑर्डर प्लेस कर दे, राइट। अब ये देख लेते हैं कि बाय नाउ का जो बॉक्स है वो कैसे हम विन कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैटर करते हैं, खाली एक पर्टिकुलर पॉइंट मैटर नहीं करता, और भी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। पहली चीज़ कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस कंपिटिटिव होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका प्रोडक्ट पर रिव्यू जेन्युइन होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। तीसरी चीज़, उसकी रेटिंग, प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बाय बॉक्स विन करने में आपको मदद करेंगे। तो आप प्रोडक्ट प्राइस को कैसे कंपिटिटिव रख सकते हैं, अभी हम ऑटोमेट प्राइसिंग को देखेंगे। इसके लिए आप ऑटोमेट प्राइसिंग ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट पर रिव्यू कैसे आएंगे, उसके लिए आप अपने कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आइदर ईमेल के थ्रू और टेलीफोनिकली, और आप उनसे फीडबैक के लिए बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जेन्युइन प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल करें, डुप्लीकेसी ना करें, कोई फेक प्रोडक्ट आप सेल ना करें। अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन होगा तभी आप कस्टमर को बात करने की सोच पाओगे ईमेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू। फीडबैक तभी कस्टमर आपको अच्छा देगा अगर आपका प्रोडक्ट उसको अच्छा लगेगा। तो सारा बाय बॉक्स विनिंग का जो खेल है वो फीडबैक के ऊपर, कस्टमर रिव्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। तो फ्रेंड्स,
यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट पे प्राइसिंग कैसे बेस्ट दे सकते हैं, कैसे हम कंपिटिटिव प्राइसिंग दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। अब ऑटोमेट प्राइसिंग ऑप्शन की जरूरत क्यों पड़ी और क्या है वो चीज़? ऑटोमेट प्राइसिंग इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि अगर आप सेलर हैं और आपके पास ज़्यादा SKUs हैं, लेट सपोज 100 SKUs हैं, तो ये आपके लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसको मैनुअली अपडेट करो प्राइस को डेली बेसिस पे, या आप उसके अंदर चेंजेस लाओ, आप देखो कि दूसरा सेलर कितने पे सेल कर रहा है, आपका प्रोडक्ट कितने पे सेल कर रहा है, तो वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल आपके लिए नहीं होगी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए Amazon ऑटोमेट प्राइसिंग ऑप्शन लेकर आया है आपके लिए। इसके अंदर अगर आप जैसे शेयर मार्केट में डील करते हो या आप शेयर्स बाय करते हो, तो उसमें भी आप लो और मैक्सिमम प्राइस आप सेट करते हैं ताकि आपका लॉस ना हो। सेम चीज़ आप अमेज़ॉन पे भी आप अपने लिस्टिंग के ऊपर रूल सेट कर सकते हैं कि एक मिनिमम और मैक्सिमम आपने प्राइस सेट कर दिया, और उसके बाद आप अमेज़ॉन को एक रूल के थ्रू आप बताते हैं कि मेरा प्राइस इतने से इतने के बीच में रहना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ना ही इससे ऊपर जाना चाहिए। अब एक एग्जांपल के साथ हम यहां स्क्रीन पे देख लेते हैं। एक प्रोडक्ट के ऊपर ये प्राइस लाइन बनाई है मैंने, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, और मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने एक रूल सेट किया है कि जो भी बाय बॉक्स प्राइस हो, आपका प्राइस उससे लो होना चाहिए। बाय इधर आप कह सकते हो 5 रुपये से कम होना चाहिए, या आप यहाँ पर परसेंटेज भी सेट कर सकते हो कि भाई 1% कम हो, 2% कम हो, आप ये सेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वहाँ लेके चल रहा हूँ कि आपका जो बाय बॉक्स प्राइस से आपने सेट कर दिया कि मेरा प्राइस बाय बॉक्स प्राइस जो भी हो उससे 5 रुपये कम होना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट जो अभी तक हमने लिस्ट किया हुआ था अमेज़ॉन पर, वो हमने लिस्ट किया हुआ था 189 रुपीज़ का, वो यहाँ फॉल करता है। हमने अब यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस अपने प्रोडक्ट पे सेट किया हुआ है 229 रुपीज़ का, मिनिमम प्राइस सेट किया हुआ है हमने 159 रुपीज़ का। ये हमने एक ब्रैकेट बना रखी है, राइट। अब बाय बॉक्स प्राइस कहीं यहां फॉल कर रहा है, बाय बॉक्स प्राइस इस एग्जांपल के अंदर लेट सपोज 179 रुपीज का है, वो ऑर्डर बेसिकली आपके पास ना आकर वो उस सेलर के पास जा रहे होंगे जो बाय बॉक्स विन करा हुआ सेलर होगा। मगर अगर आपने ये रूल सेट किया हुआ है तो आपका जो प्राइस है वो अब शो करेगा 5 रुपये कम, मींस ₹174 शो करेगा कस्टमर को। तो चांसेस है कि वो प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है कस्टमर आपको दे इंस्टेड की बाय बॉक्स प्राइस विनर को, राइट। अब एक और सिनेरियो इसी में ले लेता हूँ, लेट सपोज बाय बॉक्स प्राइस कम होके 159 पहुँच जाता है, तो अमेज़ॉन 159 तक तो आपका प्राइस शो करेगा, मगर अगर उससे नीचे चला जाता है 155 हो जाएगा, तो जो आपका लास्ट प्राइस होगा, जो लास्ट प्राइस सेट हुआ होगा 159, तो वो वहाँ आके रोक देगा, अमेज़ॉन उससे नीचे नहीं जाएगा। यही अगर कल को ये बढ़ जाता है तो 189 पहुंच गया, तो ये 189 माइनस 5 मींस 184 रुपीज़ आपका प्राइस वो शो करेगा। तो बाय बॉक्स विन का यूसेज मैंने आपको बता दिया, अब ऑटोमेट प्राइसिंग कैसे काम करता है वो भी मैंने बता दिया। अब ऑटोमेट प्राइसिंग के अंदर 4 चीज़ें आती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जिनके ऊपर आप रूल सेट कर सकते हो अपना। वो क्या क्या है मैं आपको फटाफट यहाँ दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलेंगे। पहला आता है आप अपना बेस्ट प्राइस दे सकते हैं, आप अमेज़ॉन को बता सकते हैं, रूल सेट कर सकते हैं कि जो भी है जितने भी सेलर्स हैं उनसे सबसे बेस्ट प्राइस मेरा होना चाहिए विद इन दी रेंज, प्राइस रेंज जो मैंने सेट करी हो मिनिमम और मैक्सिमम की। दूसरा,
कॉम्पिटिटिव प्राइस बाय बॉक्स प्राइस होना चाहिए, मींस कि बाय बॉक्स प्राइस के से मैच करे। यहां पर भी तीन चीजें हैं कि आप उसको मैच करा सकते हो बाय बॉक्स प्राइस से, आप उससे लोएस्ट रख सकते हो कि भाई इतने परसेंटेज या प्राइस से आप लो रख दो, या आप उससे हायर रख सकते हो। डेफिनेटली आप हायर रखना नहीं चाहोगे, ठीक है, वो भी आप उसमें परसेंटेज और प्राइस दोनों सेट कर सकते हो। थर्डली आती है बात कॉम्पिटिटिव लोएस्ट प्राइस की, कि भाई आपका जो भी सेलर सेल कर रहे हैं उससे आपका सबसे लोएस्ट प्राइस हो। फोर्थ पॉइंट आता है बेस्ड ऑन योर सेल्स यूनिट। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ये ऑप्शन कब यूज कर सकते हो आप, जब आपके पास सेल ज्यादा आ रही है तो अपना प्राइस को हाई रख सकते हो, जब आपके पास सेल कम आ रही है तो अपने प्राइस को लो रख सकते हो। नॉर्मली अगर आपको अपनी मार्केट से विड्रॉ करना है वो प्रोडक्ट, तो आप उसको सेल पे लगा सकते हो, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं कि कैसे इसको आप एक्टिवेट करते हैं। मैं यहाँ पर अभी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक बेस्ट प्राइस ऑप्शन को या कंपिटेटिव बाय बॉक्स प्राइस ऑप्शन को लेके आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको एक रूल सेट करके दिखा देता हूँ अपनी कुछ SKUs पे। आप एक बार रूल बनाने के बाद उसके अंदर अपने SKUs ऐड कर सकते हैं लेटर ऑन। चलिए चलते हैं हम यहाँ से कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अब मैं यहाँ पर अपनी विंडो में लॉगिन कर चुका हूँ। अब मैं प्राइसिंग में जाकर ऑटोमेट प्राइसिंग पे क्लिक करूँगा। उसके अंदर जैसे कि आप देख पाएंगे अब स्क्रीन पे कि ऑटोमेट प्राइसिंग का डैशबोर्ड है, जहाँ पर मैंने जो रूल सेट करे थे वो दिखा रहा है। अब मुझे क्रिएट अ कस्टमाइज प्राइसिंग रूल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक नया पेज खुला है, क्रिएट अ न्यू प्राइसिंग रूल, जिसके अंदर हमें ये बताना है कि हमारा टाइप क्या है रूल का। जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, चार चीज़ें हैं हमारे पास, बेस्ट प्राइस, कॉम्पिटिटिव बाय बॉक्स, कॉम्पिटिटिव लोएस्ट प्राइस और बेस्ड ऑन सेल्स यूनिट। अभी हम इस वीडियो के अंदर कॉम्पिटिटिव बाय बॉक्स प्राइस को क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। अब हमें अपने रूल को एक टाइटल देना है, उसके बाद फिर हमें प्रोसीड टू मार्केट प्लेस सेलेक्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे पास अगर हम amazon.in.com सब पे सेल कर रहे हैं, तो amazon.in पे जैसे मैं सेल कर रहा हूँ, तो इस पे क्लिक करके मैं सेव एंड कंटिन्यू टू सेलेक्ट रूल पैरामीटर्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना पैरामीटर्स रूल को डिफाइन करना है कि हम उसके बाय बॉक्स से बिलो रखना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं, या उससे स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि मैं लो रखना चाहता हूँ बाय बॉक्स से, तो मैं यहाँ पर ₹5 लिख के प्रोसीड कर रहा हूँ कि ₹5 जो भी बाय बॉक्स प्राइस हो उससे ₹5 मेरा कम हो। नीचे आप जैसे देख सकते हैं कि सभी SKUs पे करना चाहते हैं जिसकी कंडीशन सेम हो, तो मैं उसको सेलेक्ट करके प्रोसेस कर रहा हूँ। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे नीचे आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी आ रहे हैं जिसमें आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई उसकी कंडीशंस अलग हों या कुछ अदर सेलर्स के कंपैरिजन में भी आपका प्राइस कम हो, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन है उसमें ये है कि रीप्राइजिंग, अगर आप मैनुअली रीप्राइजिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तब भी आप इस रूल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या पॉज कर देना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं पॉज करना चाहता हूं, तो मैं इसको नो पे सेलेक्ट करके सेव दिस रूल इन amazon.in पे क्लिक कर दूंगा। अब नेक्स्ट पेज में प्रोसीड टू सेलेक्ट SKUs पे हम क्लिक करेंगे। अब यहां पर हमारे पास जितने भी हमारे SKUs हैं वो शो कर रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेट हो ऑलरेडी। उसके बाद आपको टेक एक्शन पे क्लिक करना है। जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर आपको रूल सेट करना है उसमें टेक एक्शन के ड्रॉपडाउन पे क्लिक करेंगे। अब इसमें आप अपने जो प्रोडक्ट का टाइटल आपने दिया था उसको सेलेक्ट कर देंगे, तो आपका ये 15 मिनट्स में ये अपडेट हो जाएगा। मैं आप यहाँ पर जल्दी से बाकियों पे भी कुछ और 2-3 पे भी मैं ये प्रोसेस फॉलो कर लेता हूँ। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे आप इसमें मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस अपना सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैनेज इन्वेंट्री पेज में जाएंगे। मैनेज इन्वेंट्री पेज में कभी कभार होता है कि हमें ये ऑप्शन दिखता है या नहीं दिखता है, तो इसको कैसे हम अब एक्टिवेट करेंगे, कैसे आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको इसमें भी बताऊंगा, तो स्टेप्स को फॉलो करिएगा। मैनेज इन्वेंट्री पेज में जाने के बाद कभी कभार होता है कि आपका मिनिमम और मैक्सिमम नहीं दिखता है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है उस चीज़ को लाने के लिए प्रेफरेंसेस टैब में जाएंगे। प्रेफरेंसेस में क्लिक करने के बाद यहाँ पर
बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होती हैं वो अनचेक्ड होता है, वो बॉक्स योर मिनिमम और मैक्सिमम वाला जो चेकबॉक्स है वो अनचेक होता है। ये इस तरीके से अनचेक आपको मिलता है, बट आपको इसको टिक करना है। इसको आपको टिक करके नीचे आके सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आप जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट्री पेज पे दोबारा से जाएंगे तो आपको वहाँ पर अपडेटेड मिलेगा। वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने हर एक SKU पे मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस शोकेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको आज यहाँ अपडेट देना चाहूँगा। एक आज 25 सितंबर है और आज ही एक नया अपडेट आया है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन अपडेट करने की लास्ट डेट अब 30th सितंबर हो चुकी है। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट ASINS पे अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन अपडेट नहीं किया है तो आप वो अपडेट कर सकते हैं 30th सितंबर से पहले पहले। अगर कैसे आपको अपडेट करना है इसके लिए मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो उसका लिंक जो है मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, आप उस वीडियो को जाकर चेक कर लीजिएगा और अपने सभी ASINS पे उसको अपडेट कर लीजिएगा ताकि आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट ना हो, आपका प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ख़त्म ना हो। फ्रेंड्स, एक और TDS को लेकर अपडेट Amazon की तरफ से आया है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी अपडेट है कि 1st October ऑनवर्ड्स आपका जो TDS था वो 1% कटेगा आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू जो आपकी सेल होती है उस पर। हाँ, 31 मार्च 2021 तक आपका 0.75% ही कटेगा, बट हाँ ये TDS अब 1% हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये दो अपडेट जो मेरे को आपको बताने थे। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑटोमेट प्राइसिंग कैसे काम करता है और कैसे आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों को रिकमेंडेशन है कि आज ही जाके आप अपने लिस्टिंग पे इस रूल को सेट करें। अगर आपको अभी भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, मैं आपको रिवर्ट करूंगा जल्द से जल्द। और आप अपनी क्वेरी को मेरी मेल पे भी डाल सकते हैं। मेरी मेल आईडी है sellertechmg@gmail.com। आप अपना नंबर भी वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। आपको कॉल करके भी, आपके साथ कॉन्टैक्ट करके भी मैं आपसे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकता हूँ। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ नई वीडियोज़ के साथ बहुत जल्द। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।